कभी कभी लगता है ना कि आप जीवन में फेल हो गए हैं, जीरो, शून्य, कुछ नहीं बचा आपके पास। यही चलता रहता है आपके दिमाग में। आपको खुद पर गुस्सा आ रहा है, तरस आ रहा है, आपको लगता है कि आपसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जीवन के संघर्षों और कुछ विपरीत परिस्थितियों से आप खुद को घिरा हुआ पा सकते हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, उम्मीद की कोई किरण नहीं, घर से निकलने में डर लग रहा है, लोगों का सामना करने में डर लग रहा है। आपको लगेगा कि मुझे बस अकेला छोड़ दो, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं, ऐसे अनगिनत सवालों के मकड़ जाल में आप खुद को फंसा हुआ पाएंगे। जी हां, इसी का नाम है जिंदगी और इसी से हमें निपटना है। कभी तो आपको ये चहकने का मौका देती है तो कभी आपका म्यूट बटन दबाकर आपको खामोश कर देती है। और कितना भी खराब क्यों ना हो, आप अपने सपनों को मत छोड़ना, कभी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि एक ऐसा दौर है जो जिंदगी में बार बार आएगा और हमें इससे निकलना सिर्फ एक बार सीखना है, फिर सब आसान होने वाला है। बस आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी अपने दिमाग में ये नहीं लाना है कि अब बस बहुत हो गया, नाउ आई क्विट, अब मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया है, चैप्टर क्लोज। आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी, अपने जीवन को फिर से शुरू करना होगा। शुरू कैसे करना है ये भी आप जानते हैं, मत भूलना, पहले भी आप ये कर चुके हैं, असफल हो गए, कोई बात नहीं, इस बार एक अलग रणनीति के साथ, पूरे एनालिसिस करके, अलग अप्रोच के साथ, कहां कमी रह गई, रुकावटें कहां हैं, क्या कोई बाहरी शक्ति है, कोई बुरी संगत, बुरे लोग, बुरी आदतें, क्या है जो आपको रोक रहा है। शुरुआत में कठिनाइयां आएंगी, कुछ आसान नहीं होने वाला है, पहले भी नहीं हुआ था। आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप खुद को कितना सशक्त बनाते हैं, कितना मजबूत बना सकते हैं। बस खुद का विक्टिम बनकर नहीं रह जाना है, आपके पास वो शक्ति है, बस जरूरत है तो अदम्य साहस और धैर्य की। अपने पिता से पूछिए, जब आप छोटे थे, चलना सीख रहे थे, कितना मुश्किल था, कितनी बार आप गिरे, कितनी चोटें आईं। ठीक है, उस समय आपको संभालने के लिए वो आपके पास थे, आज कोई नहीं है, कोई बात नहीं, अब आप बच्चे भी तो नहीं रहे। आपका चरित्र, आपकी ईमानदारी, आपकी कोशिशें, आपके स्किल्स, ये सब तो है आपके साथ आपको वापस खड़ा करने के लिए। यहां सब कुछ अस्थाई है, न सुख हमेशा था न दुख हमेशा रहेगा। एक सेकेंड, एक मिनट, एक घंटा, एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, एक साल, अरे कब तक आपकी मेहनत को अंजाम नहीं मिलेगा। बस आपको क्विट नहीं करना है, सरेंडर नहीं करना है, आपको हर मोर्चे पर उसी ऊर्जा के साथ डटे रहना है, खड़े रहना है और अपना सब कुछ दे देना है। दर्द होगा, तकलीफ होगी, ठीक है, बी अ मैन। सोचना जरूर कि जब आप इस दुनिया में आए तो भी कोई दर्द से तड़प रहा था, हाँ आपकी माँ, आप भी रो रहे थे, क्या तब से अब तक आप रोते ही रहे, कभी खुशी नहीं मिली? अरे अगले ही पल चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी आपके आने की, छोटी छोटी बहुत सी सफलताएं मिली होंगी जीवन में, जो शायद इतनी छोटी हैं कि आप उसे उतना महत्व ही नहीं देते। इस दर्द को अपना हथियार बनाओ, इसके आगे कभी सरेंडर मत करना। जब भी दर्द महसूस हो तो पहले उस लक्ष्य और उसके परिणाम की तरफ देखो जिसके लिए तुम आज ये दर्द सहन कर रहे हो, यकीनन फिर आप अपने आप को उस दर्द के सामने कभी टूटने नहीं दोगे। खुद से कसम खाओ कि जब कभी जीवन में नीचे गिरूंगा तो फिर से उठूंगा, लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा। बहुत कुछ मिला है और भी बहुत कुछ मिलेगा, हाँ सब कुछ नहीं मिल सकता क्योंकि महत्वाकांक्षाओं का तो कोई अंत नहीं है। पीड़ितों की तरह बातें करना छोड़ देना, जीवन एक लड़ाई है, एक ईमानदारी की, चरित्र की, प्रतिष्ठा की, आपके सपने, आपका लक्ष्य, आपकी महत्वाकांक्षाओं की एक बहुत लंबी लड़ाई, क्योंकि ये सब आपको जन्म से नहीं मिलते, इसके लिए आपको हर सुबह उठना पड़ता है और अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। लड़ने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? सहन शक्ति की। खुद को एकदम तैयार रखो जीवन की ऐसी हर लड़ाई लड़ने के लिए। अपने आप के लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। शार्क फिश जानते हैं, सबसे खतरनाक शिकारी मछलियां, उसकी एक विशेषता भी जानते होंगे, वो कभी तैरना नहीं बंद कर सकती, क्योंकि अगर वो तैरना बंद कर देगी तो मर जाएगी, अगर वो पीछे की ओर तैरना शुरू कर दे तो भी वो मर जाएगी। आपको भी एक शार्क की तरह बनना है, शार्क की तरह सोचें, शार्क की तरह व्यवहार करें, शार्क की तरह लगातार कार्यरत रहें।
मैं कर लूंगा, मैं करके ही मानूंगा, जीत मेरी ही होगी, मैं जानता हूं इसे कैसे करना है। अगर मुझ में किसी स्किल्स की कमी है तो मैं उस पर काम करूंगा। ऐसी सोच होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप एक मेटल, एक धातु की तरह बनकर पानी के सबसे निचले हिस्से में जाकर स्थिर पड़े रहें और बोल दें आई क्विट। बहुत आसान है, इसके लिए आप इस दुनिया में नहीं आए। आपको हर दिन अनुशासित रहना होगा और अपने सभी बुनियादी सिद्धांतों का पालन करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। इसी तरह आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं। बस यही एक रास्ता है, और आपको ये सब तब करना होगा जब आपका मन ना हो, शायद सबसे ज्यादा मुश्किल काम। क्योंकि जब आपका मन होता है तब आप सब कर लेते हैं, जब आपका मन नहीं करता, आप निराश हैं, तब आपको ये सब करना है। आप जो भी काम करते हो या जिस भी विषय में आप खुद को फेल महसूस कर रहे हो, ठान लो कि अब और नहीं, मैं खुद को उस काम के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित करूंगा, अधिक समय दूंगा, पूरा फोकस उस पर ही रखूंगा, तब तक जब तक कि मेरी जीत नहीं हो जाती।